हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की जो साइंस एंड टेक की मैगजीन है उसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक जो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर है वो नैनो टेक्नोलॉजी का ही है। क्यों रहा न्यूज़ में? क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और साथ में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने साइन करा एक MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IFFCO के साथ में, फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर की। तो कुछ जानते हैं कि एक्चुअली में नैनो यूरिया लिक्विड है क्या। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में NUL बोलेंगे हम। इसके अंदर नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं विच हैव मोर सरफेस एरिया, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, मेकिंग इट मोर इम्पैक्टफुल। ये ज्यादा इम्पैक्ट देता है। इसकी वजह से इंडिया ये फर्स्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में बन गया है जिसने स्टार्ट करा है कमर्शियल प्रोडक्शन NUL का। इम्पोर्टेंस ये है कि जो कन्वेंशनल यूरिया की रिक्वायरमेंट है ये कम करेगा 50% या उससे ज़्यादा से। साथ में सॉइल एयर और वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगा। और तीसरा फायदा ये है कि कन्वेंशनल यूरिया से सस्ता है। तो कुछ बातें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है जिसे कंडक्ट करा जाता है नैनो स्केल पे, करीब 1 या 100 नैनोमीटर्स ये होती है। एक नैनोमीटर जो होता है ना वो 1000 मिलियंथ होता है मीटर का, तो समझ लीजिए कितना छोटा हुआ। और सिंगल ह्यूमन हेयर अगर मैं बात करूँ तो 80,000 नैनोमीटर वाइड होता है और एक रेयर ब्लड सेल अप्रॉक्सीमेटली 7,000 नैनोमीटर वाइड होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा हुआ। प्रॉपर्टीज जो मटेरियल की हैं वो अलग अलग हो सकती हैं नैनो स्केल पे, दो मेन रीजंस की वजह से। पहला तो ये कि नैनो मटेरियल्स हैव रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया, जैसे मैंने बताया, देन सेम मास ऑफ मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है लार्जर फॉर्म में, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इनका ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। और इससे क्या होता है, मटेरियल ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव बनता है और अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को भी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी। और दूसरा रीज़न ये होता है कि 50 नैनोमीटर से कम में जो लॉज है क्लासिकल फिजिक्स के वो गिव अवे टू क्वांटम इफेक्ट्स। इससे क्या होता है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर प्रवोक होता है, अलग अलग मतलब डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ द सेम मटेरियल एट द लार्जर स्केल। अच्छा, तो ये सारे जो अफेक्ट होते हैं ना, ये मटेरियल को काफ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या रेजिस्टेंस, या हाई कैपेसिटी स्टोर और ट्रांसफ़र करने की हीट को, या इवन मॉडिफाई करने की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हो सकता है। एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस की बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्बन नैनो ट्यूब्स काफ़ी करीब है रिप्लेस करने के सिलिकॉन को एज अ मटेरियल फॉर मेकिंग स्मॉलर, फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट माइक्रोचिप्स और डिवाइसेस के लिए, एज वेल एज हल्के होते हैं, ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग क्वांटम नैनोवायर्स जो है, स्ट्रॉन्गर क्वांटम नैनोवायर्स होंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ग्राफीन्स प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं, इससे काफ़ी आइडियल कैंडिडेट बन जाता है फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन बनाने में। दूसरी, एनर्जी की फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी कॉस्ट को कम करेगा, स्ट्रॉन्गर और लाइटर विंड टर्बाइंस को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, इम्प्रूव करेगा फ्यूल एफिशिएंसी को। साथ में यहाँ पे थैंक्स टू थर्मल इंसुलेशन ऑफ सम नैनो कंपोनेंट्स ये एनर्जी को सेव कर सकता है। बायोमेडिसिन में बताऊँ तो प्रॉपर्टीज़ कुछ नैनो मटेरियल्स की ये इसे आइडियल बना सकती हैं इम्प्रूव करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस का या कैंसर का भी। कुछ नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करा गया है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भी इन्हांस करने में, बड़ा अच्छा बनाने में। एनवायरनमेंट की बात करें तो एयर प्योरिफिकेशन विद आयंस, साथ में वेस्ट वाटर प्योरिफिकेशन विद नैनो बबल्स या नैनो फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर हैवी मेटल्स, ये कुछ इसके एनवायरनमेंटली फ्रेंडली एप्लीकेशंस हैं।
नैनो कैटलिस्ट ये अवेलेबल है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस करने में ज़्यादा एफिशिएंट और लेस पोल्यूटिंग तरीके से। फूड की बात करें तो इस फील्ड में नैनो बायोसेंसर्स को यूज़ किया जा सकता है पैथोजेंस की प्रेजेंस का पता लगाने में फूड और नैनो कंपोजिट्स के अंदर, ताकि फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके, मैकेनिकल और थर्मल रेजिस्टेंस को बढ़ा के और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र को कम करके पैकेज प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि यही एक भाई ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैथोजेंस जन्म लेंगे, बढ़ेंगे, तो इसको भी डिक्रीज करके। टेक्सटाइल में बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल बनाता है कि स्मार्ट फैब्रिक्स डेवलप करे जा सकें दैट डोंट स्टेन या वो रिंकल भी ना हो, एज वेल एज स्ट्रॉन्गर हो, लाइटर हो और ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल हो, ताकि मोटरसाइकिल हेलमेट्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बनाया जा सके। तो ये हमने कुछ फ़ायदे की बात करी। अच्छा, कोई दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रही है वो है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर के बारे में, ठीक है, टेंग बोलेंगे इसको। साइंटिस्ट फ्रॉम सेंटर फॉर नैनो एंड द सॉफ्ट मैटर साइंसेस ने फैब्रिकेट करा एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक बायो कंपैटिबल नैनो जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, जो कि हर जगह प्रेजेंट है। ये जो यही है ना सेंटर फॉर नैनो एंड द सॉफ्ट मैटर साइंसेस, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और एनर्जी हार्वेस्टिंग जो ये टैंक है, ये काम करता है इस प्रिंसिपल पे जो क्रिएट करता है इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जेस, दैट इज डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकर करते हैं ऑन अंडरग्राउंड या इंसुलेटिंग सरफेस पे, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जेस को ये इस पे काम करता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ पावर डिवाइसेस और कुछ दूसरे बायोमेडिकल एप्लीकेशंस जो है ये इसकी एप्लीकेशन है कि यहाँ यहाँ ये यूज़ हो सकता है। बहरहाल ये दो टॉपिक मुझे लास्ट वाले लेक्चर में ही कर देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि नहीं हुआ तो इसमें मैंने कवर कर दिया। अब हम यहाँ पे एकदम नया तरोताज़ा टॉपिक छूते हैं जो कि IT एंड कंप्यूटर का है। इसके अंदर पहला टॉपिक हमारा नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन को लेके है। न्यूज़ में क्यों रहा दोस्तों, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन ये बनाई गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा फॉर्मुलेट करी गई है। तो अब पहले जो इतना न्यूज़ में रहता है ना क्रिप्टो ब्लॉकचेन, तो हम पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देखते हैं। दोस्तों ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूशन है या डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है, जिसे पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर। 2009 की बात है, 2009 में सोचो, उस समय अगर अकल होती तब तो हम तो क्लास 10th में थे, आप किस क्लास में थे तो क्या बात होता, आज तो माला माल हो गए होते हैं। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये अमालगमेशन है अलग अलग टेक्नोलॉजी का, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी और कई सारी। और ब्लॉकचेन एक सीरीज ऑफ ब्लॉक्स है जहाँ पे हर ब्लॉक के अंदर डिटेल्स होती हैं ट्रांजेक्शन की, एग्जीक्यूटेड ओवर द नेटवर्क, जो भी ट्रांजेक्शन किया जाता है उस नेटवर्क के ऊपर उसकी प्रॉपर डिटेल होती है, हैश एड्रेस होता है प्रीवियस ब्लॉक का और टाइम स्टैम्प वगैरह काफ़ी कुछ होता है, सब कुछ होता है। डेटा और ट्रांजेक्शन जो कि इस ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होते हैं ये सिक्योर होते हैं अगेंस्ट टेम्परिंग यूज़ करके क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम का, एंड ये वैलिडेटेड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं थ्रू कंसेंसस, मतलब कंसेंसस प्रोटोकॉल्स के माध्यम से अक्रॉस नोड्स ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स का जो है ये डेवलप करे गए हैं ताकि ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे ऑफर किया जा सके। और पॉपुलर जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें हाइपरलेजर, कॉस्मॉस, पोलकाडॉट, रेड बेली, एथेरियम वगैरह वगैरह आते हैं। ये तो आपने देखे होंगे, अगर आपने कभी भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग करी है तो उसमें आपने ये सब नाम तो पक्का ही देखे होंगे कि आपको पोलकाडॉट तो खासकर एथेरियम भी। अच्छा देखिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्लो ब्लॉकचेन नेटवर्क में कैसा है, देखिए क्लाइंट ने इनिशिएट किया ट्रांजेक्शन को। अब देखो यहाँ पे सब कंप्यूटर्स है ना, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, उसके बाद प्रॉपर हर जगह से वैलिडेशन हुआ, उसके बाद यहाँ देखिए ब्लॉकचेन इस तरह से बनती है, ठीक है। ये देखिए ये प्रॉपर ब्लॉक्स, ये और सबके अंदर एक एक जुड़ता जाएगा जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती। तभी तो आज के टाइम पे बिटकॉइन को, अब तो खैर इसकी मिंटिंग ही मना हो रही है, लेकिन अगर चाहें भी अब इसको अगर हम मिंट कर लें तो नहीं कर पाएंगे, इतना हैवी हो चुका है, बहुत हैवी, अब एनर्जी इसमें बहुत वेस्ट होगी, बहुत इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। और स्टेक होल्डर्स वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन डिटेल्स को इस तरह से इससे। अब यहाँ पे पोटेंशियल ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस क्या हैं थोड़ा देखते हैं। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट,
ठीक है, उसके साथ डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ अग्रीमेंट्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, ई नोटरी सर्विसेज, ब्लॉकचेन इनेबल ई साइन सॉल्यूशन, फार्म इंश्योरेंस, आइडेंटिफाई मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूटी पेमेंट्स, एग्रीकल्चर एंड अदर सप्लाई चेन्स। उसके साथ आया भाई ई वोटिंग, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइस मैनेजमेंट सिक्योरिटी, व्हीकल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, चिट फंड ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रो फाइनेंस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कई सारी चीज़ें। अब देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और विजन क्या है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन का, ताकि एक ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकें जिसके माध्यम से एक शेयर्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकें। दूसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कैपेसिटी, स्किल और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, साथ में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और स्टेट ऑफ द आर्ट को फैसिलिट करना, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर, ट्रस्टेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी सिस्टम लेकर आना सिटीजन्स और बिजनेस के लिए। अब यहाँ देखिए, स्ट्रेटजीज और आउटकम, टारगेट क्या है अगले 5 सालों के लिए, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क क्या है, देखिए जरूरत क्या है। रिपोर्ट ये प्रिडिक्ट करती है कि 2030 तक ब्लॉकचेन को एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज करा जाएगा फॉर 30% ऑफ द ग्लोबल कंज्यूमर बेस। प्लान ये है कि ये जो मीटी है ना, उसने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का इस नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का, ताकि एक शेयर्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और ब्लॉकचेन एज अ सर्विस के तौर पे ऑफर कर सकें शुरुआत में। और साथ में यही जो ये फ्रेमवर्क है, ये यूज करा जाएगा ई गवर्नेंस डोमेन के लिए भी, ट्रांजिशनिंग इन कॉर्पोरेट वेरियस यूज ऑफ केसेस ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ और यूज का बढ़ाते रहेंगे। इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं ताकि मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी बना सके। देखो, पहला है जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स पूरे देश के अंदर, ताकि सिटीजन सर्विसेज लार्ज स्केल में इनेबल हो सके और यहाँ पे इनेबल हो सके क्रॉस डोमेन, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऐसी हो सके। साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर ब्लॉकचेन चैलेंजेस और डिटेक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटीज, जो भी रिस्क वगैरह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, इस सारे के लिए इन प्रॉपर को ध्यान में रखते हुए इन पे बेस्ड सॉल्यूशंस क्या हो। साथ में डिजाइन और डेवलप हो इंडिजीनियस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का, उसके साथ इंटीग्रेशन हो इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल सर्विसेज के साथ, जैसे कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया जिसे ई साइन कहते हैं, ई प्रमाण हो गया, या डिजी लॉकर, इसमें आप जानते हो ना डिजिटल लॉकर जिसे बोलते हैं, सारा कुछ इसमें आप रख सकते हो ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली। अवेयरनेस क्रिएशन, सेंसिटाइज करने के लिए एमएसएमईज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जुडिशरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, साथ में अडॉप्शन को और बूस्ट करने के लिए। और कोई दूसरी चीज़ें जैसे अपडेटेड पॉलिसीज और रेगुलेशन, फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स, ताकि लार्ज स्केल अडॉप्शन हो सके, मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो ताकि प्लान और इम्प्लीमेंट कर सकें NBF को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। देखिए, सरकार ने ऑलरेडी यहाँ शुरुआत कर दी है फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम की, ताकि स्किल्स को बढ़ा सकें या री स्किल्स कर सकें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, जैसे ब्लॉकचेन वगैरह, इन एसोसिएशन विद द नास्कॉम के साथ इन्होंने किया है। फर्दर, ब्लॉकचेन एडवाइजरी काउंसिल और स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, जो प्रोवाइड करेगी ओवरऑल गाइडेंस और रेगुलरली रिव्यू भी किया करेगी, मॉनिटर भी करती रहेगी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी का प्रॉपर तरीके से। उसके साथ इसका ये भी है कि ब्लॉकचेन अडॉप्शन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन, स्केलेबिलिटी वगैरह, जिसकी भी ज़रूरत है स्टिल, अभी हम जो नहीं ला पा रहे हैं लार्ज स्केल यूजर्स तक, हाई पावर कंजम्पशन, जो रेगुलेशन की कमी है, इनएडिक्वेट स्किल सेट की जो कमी है, लैक जो एडिक्वेट सिक्योरिटी प्राइवेसी वगैरह है, तो इन सबको भी डील किया इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें आती हैं, एक जो बॉक्स है अपना उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन मॉडल्स देखिए, पब्लिक परमिशनलेस और प्राइवेट परमिशन क्या है। देखिए, पब्लिक की बात है, एनीवन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, रीड और राइट कर सकता है और कमिट कर सकता है। दूसरा, सब लोग अलाउ है कि पार्टिसिपेट कर सकें कंसेंसस में, और एनोमनस रेजिलिएंट, है ना, मतलब सब है, कुछ ऐसा नहीं किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, सब कुछ है सबके पास। ट्रूली डिसेंट्रलाइज है, क्यों, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो अननोन एक्टर्स का है बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ अननोन एक्टर्स। और यहाँ पे फाइनलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को टेक लॉन्गर टाइम, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो ट्रांजेक्शन तो हो सकती है कि फाइनल चीज में वक्त ज्यादा लगे।
अच्छा, प्राइवेट और परमिशन में क्या होता है? सिर्फ ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स राइट और कमिट कर सकते हैं, ऑथराइज नोट्स सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं अग्रीमेंट के अंदर, जो पार्शली डिसेंट्रलाइज हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन एक्टर्स। उसके साथ फाइनलिटी जो ट्रांजेक्शन्स की है वो बेटर हो सकती है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि कम पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ज़्यादा लोग होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कम होंगे तो कम लगेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। दोस्तों, प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स को रिलीज करा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल के द्वारा। डॉक्यूमेंट कहता है कि सारे एक्टर्स आओ और इन सारे टेनेंट्स को अपहोल्ड करो एज दे बिल्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस एंड सेल्फ डायरेक्ट कर लो अपने इकोसिस्टम को यूज करने में इन सारे प्रिंसिपल्स को एज अ फाउंडेशनल विजन्स फॉर हाउ यूजर्स कैन एंड शुड बी प्रोटेक्टेड। किस तरह से यूजर्स जो है प्रोटेक्ट हो सकते हैं। प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स को चार ब्रॉड पिलर्स में ग्रुप करा गया है, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस और एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स लीगली बाइंडिंग नहीं है। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करते हैं। दोस्तों, डी एप्स प्रोग्राम होते हैं जो अलाउ करते हैं लोगों को इंटरेक्ट करने में एक दूसरे के साथ में बिना किसी थर्ड पार्टी की नीड के। इसलिए ऑफ कोर्स ये जो जरूरत है मिडिल मैन की और यहाँ पे इनके कमीशंस की, ये सब खत्म हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डी एप्स की? ये काम करते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, हायर कंप्यूटिंग पावर होती है रेगुलर एप्स के कंपैरिजन में और लेस रिस्की होते हैं साइबर अटैक्स से। उसके बाद ये तो बहुत फेमस था कि एल साल्वाडोर ये पहली कंट्री बना वर्ल्ड की जिसने लीगल टेंडर स्टेटस दे दिया बिटकॉइन को। बिटकॉइन एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता ताकि फटाफट से इंस्टेंट पेमेंट हो सके। बिटकॉइंस को क्रिएट करा गया थ्रू एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा जिसे माइनिंग कहते हैं एंड देन इसे मॉनिटर करा गया बाय नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने एक छोटा सा गलती बोल दी थी, ठीक है, वो आई जस्ट एक्सेप्ट माय मिस्टेक, कि मैंने इसको जो है वो ऊपर मिंट बोल दिया था, है ना, मिंट नहीं माइनिंग है ना, तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर इट। अगर मैंने ऊपर जो बोला उसको माइन था, मैं बहुत ही फीलिंग में आके मिंट बोल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, न्यूज़ में क्यों रहा? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक 6 महीनों का एक्सटेंशन लिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन टू कंडक्ट 5G ट्रायल्स टिल May 2022। तो आइए जानते हैं 5G के बारे में। पहले सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 3G वर्सेस 4G वर्सेस 5G वर्सेस 6G क्या होता है। 3G 2004 से 6 तक रहा, 4G 6 से 10 तक रहा डिप्लॉयमेंट बता रही हूँ, 5G आया 2020 में मतलब, और ये 6G 2028 से 30 तक का ये जो सीन है वो है, मतलब इसका जो डिप्लॉयमेंट बता रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ कि आ गया था। हाँ, बैंडविड्थ बताती हूँ, 3G जो है वो 2 Mbps, 4G 200 Mbps यूज़ कर रहे हो आप, 5G ग्रेटर देन मतलब 1 Gbps, और ये तो भाई Tbps बहुत ज़्यादा 6G हो गया। लेटेंसी की बात करूँ तो इसमें 100 से 150 मिलीसेकंड थी, ये 20 से 30 सेकंड पे आ गई थी, लेस देन 10 जो है मिलीसेकंड रहेगी और इसमें तो लेस देन 1 ही रहेगी, ये देख रहे हो मज़ा आ जाएगा। एवरेज स्पीड इसकी तो आप जानते ही हैं, हाँ सब कुछ सस्ता 144 Kbps, फिर आया 25 Mbps और फिर 5G के अंदर तो 200 से 400, ये देख रहे हैं आप एकदम से बढ़ेगा, ये मज़ा ही आ जाने वाला है। और ये तो 6G तो 50 गुना ज़्यादा होगा 5G से। और मैं ऊपर भी बता रही हूँ ना, मैंने जो मिंटिंग बोल दिया उसके लिए आई एम सॉरी, माइनिंग है वो, कॉइंस में पता नहीं कहाँ से आ गए हम। चलो अब यहाँ पे हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सही से समझते हैं। 5G 5th generation ऑफ सेलुलर नेटवर्क, इसको डिज़ाइन करा गया ताकि नेटवर्क कनेक्शंस को इम्प्रूव कर सकें, एड्रेस करके लेगेसी इश्यूज ऑफ स्पीड, लेटेंसी, यूटिलिटी विच द अर्लियर या करेंट जनरेशन जो मोबाइल नेटवर्क की है वो एड्रेस जो नहीं कर पा रही है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिक्कतों को दूर करें। 5G काफ़ी हायर फ्रीक्वेंसी पे चलेगा ताकि एक नए तरह का नेटवर्क दे सके जो कि डिज़ाइन होगा वर्चुअली एवरीवन, सबको कनेक्ट करने के लिए, सब लोग एक साथ आएंगे जैसे मशीन्स, ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस, सब कुछ बहुत गजब तरीके से ये यहाँ पे चल पाएगा। ये हमारा जो है वो कई सारे कनेक्शंस को एक साथ हैंडल करने में मदद करेगा, ठीक है। अभी जो आज के करंट जनरेशन नेटवर्क है उससे बहुत अच्छा। 5G मेनली काम करता है 3 बैंड्स पे, एक होगा लो, एक होगा मिड और एक होगा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम।
क्या आपको पता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में? नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो इनेबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टू एस्टैब्लिश रेडियो कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय टचिंग द डिवाइसेस टुगेदर। बस एक दो डिवाइस को एक साथ छुआओ या एक साथ एक मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक करीब लेकर आ जाओ या 10 सेंटीमीटर या उससे कम, तो ये अपने आप क्या होने लग जाते हैं कि प्रॉपर एक रेडियो कम्युनिकेशन आपस में एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ये जो है ये इंस्क्रिप्शन में यूज करा जाता है जब आपको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भेजना हो। आइए नीचे आते हैं, थोड़ा स्पेक्ट्रम और उसके यूसेज और एडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है ना। ये जैसे मैंने बताया ना कि तीन बैंड्स पे चलेगा, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे। देखिए दोस्तों, लो बैंड की बात करें तो एडवांटेज ये है कि ज़्यादा ग्रेट प्रॉमिस होता है, ज़्यादा अच्छा ये कवरेज लेगा, स्पीड ऑफ इंटरनेट और डेटा एक्सचेंज बढ़िया होगा, मैक्सिमम स्पीड लिमिटेड टू 100 Mbps होगी, ठीक है, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, इसे बोलते हैं MBPS। कमर्शियल सेलफोन यूजर्स के लिए जिनके पास स्पेसिफिक डिमांड्स नहीं है काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट की, तो वहाँ पर ही काम चलेगा। नुकसान क्या है, दिक्कतें क्या है कि ये सही नहीं हो सकता है स्पेशलाइज्ड नीड्स के लिए इंडस्ट्री की, क्योंकि काफ़ी छोटे लेवल पे ही काम कर पाएगा। मिड बैंड की बात करें तो हायर स्पीड होती है लो बैंड के कंपैरिजन में, इसको आप इंडस्ट्रीज, स्पेशलाइज फैक्ट्री यूनिट्स भी यूज़ कर सकती हैं कैप्टिव नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। लिमिटेशन ये है, कवरेज एरिया की बात करें, पेनिट्रेशन ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो ये काफ़ी लिमिटेड होता है उसमें। हाई बैंड की बात करें तो ये ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफर करता है, करीब 20 Gbps तक, गीगाबाइट्स पर सेकेंड, सारे ही तीन बैंड्स में। और इसकी लिमिटेशन भी है कि एक्सट्रीमली लिमिटेड इसका कवरेज है और सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी जब 5G आएगा, तो उसके साथ और क्या क्या और फायदे हैं थोड़ा आपको बताती हूँ। दोस्तों सोसाइटीज एडवांस होंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और स्मार्टर होंगी, ज़्यादा जो है रिड्यूस होगा कार्बन एमिशन, ज़्यादा कनेक्टेड व्हीकल्स होंगे, शेयरिंग डेटा होगा ताकि रोड कोलिजन्स यहाँ पे कम हो सके। पता होगा ना, इधर से जाम लगा उधर से जाम लगा, चलो चलो चलो, बढ़िया सीजर रहेंगे। फास्टर डिप्लॉयमेंट होगा इमरजेंसी सर्विस का एक्सीडेंट के टाइम पे, कनेक्टेड सेंसर्स जो डिटेक्ट कर सकते होंगे, अर्ली वार्निंग दे सकते हैं नेचुरल डिजास्टर के लिए। ड्रोन्स एक की टूल बन जाएंगे जो बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन रिस्पांस को, और बहुत ही मस्त तरीके से एकदम स्मूथली रिमोट एक्सेस हो पाएगा स्पेशलिस्ट का, अगर कंसल्टेशन करनी है, पेशेंट डायग्नोसिस करना है तो, है ना, किसी पेशेंट को देखना है, प्रॉपर मस्त चल रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज क्या आएगा, 5G एक बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन होगा फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के लिए। प्रोडक्शन जो लाइन्स हैं ऑटोनॉमसली रिएक्ट करेंगी सप्लाई और डिमांड के लिए। डिजिटल रेप्लिकास जो यहाँ पे वॉर्न कर सकते होंगे रियल मशीनरी, कोई फॉल्ट हो रही है, मान लीजिए कि भाई तुरंत ही मशीनरी में कोई दिक्कत है, आगे वक्त के साथ तुरंत बता देंगे कि अरे यहाँ दिक्कत है, ये देख लो पहले से ही। लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रॉपर जो है वो राउट करेंगे गुड्स को बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड कंडीशंस। फुल ट्रेसिबिलिटी हो पाएगी इंडिविजुअल आइटम की एट वेयर हाउस एंड पोर्ट्स में, जो अभी वेस्टेज होता है बचेगा। रिमोट एक्सेस पावरफुल रोबोट्स का, व्हीकल्स का, ताकि सेफ्टी रिस्की इन्वायरमेंट में इम्प्रूव हो सके। साथ में इंक्रीज यूज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्रीकल्चर में भी हो पाएगा, ताकि क्रॉप्स वगैरह और एफिशिएंटली ग्रो हो सके। एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, कैसे, ज़्यादा रियलिज्म होगा VR, है ना, AR का, साथ में जो है और ज़्यादा रियलिटी, है ना, वर्चुअल रियलिटी जानते हैं ना, तो एक्सटेंडेड रियलिटी का भी, XR का भी, विद लाइटर डिवाइसेस। साथ में सेंसरी एक्सपीरियंसेस और मिलेंगे, जैसे टच थ्रू डिवाइसेस। ज़्यादा इंगेजिंग मेथड्स होंगे टीचिंग के, कैसे बढ़िया कंटेंट आ सकेगा। इमर्सिव वर्चुअल मीटिंग्स होंगी ताकि रिमोट टीम प्रोडक्टिविटी हो सके, दूर दराज पे कोई बैठा है आराम से काम हो सके। स्टेबल और रिलायबिलिटी कनेक्टिविटी होगी क्राउडेड स्पेसेस पे। साथ में एक नया एंगल्स, नए इंटरेक्शंस होंगे लाइव और रिमोट इवेंट स्पेक्टेटर्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ी और बातें जानते हैं, चैलेंजेस क्या है 5G एवोल्यूशन के इंडिया के अंदर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, पावर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है, और ये दिक्कतें हैं। हाई बेस प्राइस है ऑक्शन के लिए, टेलको इश्यूज हैं, जैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कम है, लाख है
स्किल सेट की कमी है और ऐसी भी चीज़ें हैं। कंज्यूमर कंस्ट्रेंट है, नेटवर्क कवरेज इशू, हैंडसेट अवेलेबिलिटी, सबके पास थोड़ी ना मोबाइल है, डेटा प्राइवेसी वगैरह चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करें तो हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है और कंप्लीट 5G सप्लाई चेन की और भी कई दिक्कतें हैं। और दूसरा जैसे कि कनेक्टिविटी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से नेशनल सिक्योरिटी इशू है चाइनीज वेंडर्स से, जैसे ZTE, हवाई वगैरह, तो आप जानते ही हैं कि ये सब भाई चाइना का तो बहुत रोल हो जाएगा। अरे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक 5G लेवल फोरम को बनाया गया 2017 में, ताकि जो 5G का सपना है इंडिया के अंदर उसमें थोड़ा आगे बढ़े पूरा करने के लिए, और रिकमेंड करें पॉलिसी इनिशिएटिव्स की, एक्शन प्लान की क्या जरूरत है इस विजन को पूरा करने के लिए। दूसरा, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये फॉर्म किया है इसने 5G इंडिया फोरम को, जो माना जा रहा है कि एक नेशनल इनिशिएटिव का काम करेगा, जहां सारे स्टेक होल्डर्स मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चैलेंजेस को कि कैसे भैया रियलिटी बनाए 5G को इंडिया के अंदर। तीसरा, एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड को बिल्ड करना, ये प्रॉपर प्रोग्राम है जो क्लोज कोलैबोरेशन करता है विद द यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स के साथ में, और ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जो क्लोजली रिजेंबल करता है एक रियल 5G डिप्लॉयमेंट, रियल 5G वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट को। उसके बाद नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 की बात करते हैं, ये भी यहाँ पे लाई गई थी ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 5G के रिस्पेक्ट में, है ना, सर्विसेज के लिए इंडिया के अंदर, इसे प्रॉपर हम पूरा कर सकें। हाई स्पीड इंटरनेट लेकर आए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और M2M दैट इज मशीन टू मशीन हो बाय रोल आउट ऑफ सेवरल 5G टेक्नोलॉजी, साथ में बैकहॉल कैपेसिटी और बढ़ाएं ताकि डेवलपमेंट जो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क का है वो हो सके। आइए दोस्तों कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बातें जानते हैं। जैसे कि LTE दैट इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वोल्ट, जो आप देखते होंगे जियो के आने के बाद, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो वोल्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसा टेक्नोलॉजी अपडेट है, ये LTE प्रोटोकॉल का अपडेट है जिसे मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स में यूज़ करा जाता है। LTE के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम प्लेयर्स का, सिर्फ अलाउ करता है डेटा का ट्रांसमिशन, वाइल वॉइस कॉल जो होती है ना वो राउट करी जाती हैं पुराने 2G या 3G नेटवर्क में। इसलिए LTE के अंदर आप 4G डेटा सर्विसेज का एक्सेस नहीं कर सकते थे जब आप कॉल पे होते, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे इंटरनेट का कम होना, वॉइस क्लैरिटी बेकार होना। LTE को ये कॉमनली मार्केट किया गया एज 4G LTE, और वोल्ट ने अलाउ करा वॉइस कॉल्स को भी, ये साथ में वॉइस कॉल्स भी मिल पाएंगी और ये प्रॉपर LTE नेटवर्क के साथ में। इसका मतलब कि आप 4G डेटा को एक्सेस कर पाएंगे कॉल्स के टाइम पे भी। अच्छा, तो इनोवेशन ग्रुप फॉर 6G, दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप बनाया 6G के ऊपर, जिसके हेड थे के राजा रमन। ये एक रोड मैप बनाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए और एक एक्शन प्लान बनाएगा 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी। दोस्तों अब थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और 6G स्पेक्ट्रम को। यहाँ पे आप इसके माध्यम से देख सकते हो 2G, 3G और 4G का ये हाल था, ठीक है, ये इस तरीके से चल सकता था। ये देखिए 5G के, देखिए करंट और प्लांट 5G एयरवेज, फिर प्रॉपर पॉसिबल फ्यूचर 5G एयरवेज, और 6G का ऐसा कुछ मामला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए 5G टेक्नोलॉजी पजेस करती है सीरियस थ्रेट, सीरियस खतरा है एयरलाइन सेफ्टी को लेके, कुछ कंसर्न की बात करते हैं। देखिए US ऑक्शन मिड रेंज 5G बैंडविड्थ टू मोबाइल फोन कंपनीज इन 3.7 to 3.98 GHz रेंज ऑन द स्पेक्ट्रम। तो ये जो बैंडविड्थ है ना, ये काफ़ी क्लोज है टू द एयरवेव्स, द एल्टीमीटर्स यूज। इसकी वजह से कंसर्न्स बढ़ते हैं कि कहीं ये इंटरफेरेंस जो 5G का है वो सेंसिटिव एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से ना हो पाए, जैसे लाइक रेडियो ऑल्टीमीटर्स वगैरह से। अगर मान लीजिए इंटरफेरेंस हुआ बीच में, तो इंटरफेरेंस की वजह से इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम्स, ये प्रिवेंट कर सकता है इंजन को और ब्रेकिंग सिस्टम्स को फ्रॉम ट्रांजिशनिंग टू लैंडिंग मोड। एंड मान लीजिए बैड वेदर है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रोक लगाएगा, क्लाउड कवर है, इवन हैवी स्मोक है, तो पायलट विल बी लेफ्ट विद विजुअल अप्रोचेस ओनली, ठीक है, सब दिख ही पाएगा उसको जो दिख पाएगा, बाकी तो सब बीच में सब इधर उधर की वेव्स आती रहेंगी, तो आपस में समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब पोटेंशियल सोल्यूशन क्या है इस कंसर्न के, देखिए आप लोअर फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड रखिए 5G सर्विसेज का, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 5G रेंज जो है वो 3.4 से 3.8 GHz है,
इसमें आप बफर बैंड भी रखिए ताकि जो नए 5G सिग्नल्स हैं वो अलग रह सके, सेपरेट रह सके उन सारे से जो कि रेडार ऑल्टीमीटर्स के होते हैं। अच्छा, एमएम वेव या मिलीमीटर बैंड या एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, दोस्तों क्या है ये? रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्मेशन ली ऑन द क्वांटम ऑफ एमएम वेव बैंड स्पेक्ट्रम टू बी अवेलेबल फॉर 5G सर्विसेज टू रीच इट्स बेस प्राइस। एमएम वेवीज जो बैंड स्पेक्ट्रम है इसकी यूजुअल वेवलेंथ होती है 10 मिलीमीटर मतलब 30 GHz तक और 1 मिलीमीटर दैट इज 300 GHz तक। इंडिया के अंदर बात करूं अगर तो टेलीकॉम कंपनीज चाहती हैं कि 26 से 28 GHz स्पेक्ट्रम बैंड्स हो नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2018 के तहत अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग मिड बैंड स्पेक्ट्रम जो कि 3.3 से 3.6 GHz है 5G सर्विसेज के लिए। दोस्तों क्रिटिकल 5G और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए क्यों? उनकी कैपेसिटी जो है उसके ध्यान में रखते हुए इतना सारा डेटा उनको कैरी करना है, तो इससे क्या होगा कि रिड्यूस करेगा 5G की कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली। तो ये हमने पूरी बात करी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी से लाइफाई के बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों रिसेंटली स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख इंस्टीट्यूट गॉट लाइफाई नेटवर्क, इन्हें मिला लाइटफाई नेटवर्क। अब लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है? दोस्तों लाइफाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो लाइट एमिटिंग डायोड्स दैट इज LEDs का यूज करती है डेटा को ट्रांसमिट करने में। ये LED लाइट बल्ब को बनाती है, ये क्या करती है, इट मेक्स LED लाइट बल्ब एमिट पल्सेस ऑफ लाइट जो कि अनडिटेक्टेबल होते हैं ह्यूमन आई से नहीं दिखेंगे विद इन दोज एमिटेड पल्सेस, और इसी पल्सेस के माध्यम से डेटा ट्रैवल कर सकता है कहाँ से, टू एंड फ्रॉम रिसीवर्स। लाइफाई कोई स्ट्रिक्टली एक लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका मतलब डेटा जो डेटा रेट है ये डिपेंडेंट नहीं करते लाइन ऑफ साइट पे, बट सिग्नल की क्वालिटी क्या है डिवाइस के अंदर इस पे डिपेंड करते हैं। फायदा इस सिस्टम का क्या है? अल्ट्रा फास्ट डेटा कनेक्शंस मिलेंगे, अर्बन एरियाज में बहुत फायदेमंद होगा जहां पे रेडियो स्पेक्ट्रा कंजेस्टेड होता है, सो साथ में गांव वगैरह रूरल एरियाज में भी जहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स या नेटवर्क नॉट रीचेबल हैं, तो ऐसी जगहों के लिए बहुत बढ़िया है। वाईफाई के विपरीत अनलाइक वाईफाई दैट यूजेस रेडियो वेव्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन, लाईफाई यूज करता है लाइट का। ठीक है, वाईफाई किसका यूज करता है? रेडियो वेव्स का डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, लाईफाई लेकिन यूज करता है लाइट का। अब डू यू रिमेंबर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी VLC की बात करें, VLC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 to 780 नैनोमीटर का यूज करती है। ये पॉसिबल है अचीव करना इल्यूमिनेशन और डेटा ट्रांसफर को साथ में by means of LEDs that is the prominent lighting equipment lately. VLC ये transmit कर सकती है भारी मात्रा में डेटा को ब्लूटूथ के comparison में, और VLC के पास कोई भी electromagnetic interference नहीं होता। तो अब थोड़ा difference Wi-Fi और Li-Fi के बारे में समझते हैं। ऑपरेशन की बात करें तो Li-Fi डेटा को लाइट का यूज करके ट्रांसमिट करता है विद द हेल्प ऑफ LED बल्ब्स। वही जगह वाईफाई की बात करें तो डेटा को ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स का यूज करके विद द हेल्प ऑफ वाईफाई राउटर जो आपके घर में भी लगा होगा। इंटरफेरेंस की बात करें तो ऐसा कोई इश्यूज इंटरफेरेंस के नहीं है सिमिलर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। वाईफाई की बात करें इसमें इंटरफेरेंस इश्यूज होते हैं आसपास के एक्सेस पॉइंट्स मतलब राउटर्स से। प्राइवेसी की बात करें तो लाईफाई के अंदर लाइट पास नहीं होती, याद रखिएगा लाइट डज नॉट पास थ्रू द वॉल्स एंड हेंस विल प्रोवाइड अ मच सिक्योर डेटा ट्रांसफर, याद रखिएगा। वाईफाई के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज वॉल से भाई पास हो सकती हैं, एंड इसलिए यहाँ पे जरूरत होती है कि कुछ ऐसे भी टेक्निक्स हों जिससे सिक्योर डेटा ट्रांसफर हो सके। डेटा ट्रांसफर की स्पीड की बात करें तो करीब 1 GBPS तक हो सकता है, वही जगह वाईफाई में 150 MBPS तक हो सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन की बात करें कि 10,000 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है रेडियो ऑफ द रेडियो, और यहाँ बात करें 2.4 GHz 4.9 और 5G GHz तक है। कवरेज की बात करें तो सिर्फ 10 मीटर तक कवर करेगा, वही जगह वाईफाई 32 मीटर तक कवर करेगा, है ना, वेरी करता है ना, डिपेंड करता है ट्रांसमिट पावर एंटीना कैसा है कैसा नहीं। डेटा डेंसिटी की बात करें तो ये हाई डेंस एनवायरनमेंट में काम करता है, वही जगह वाईफाई जो है वो लेस डेंस एनवायरनमेंट में काम करता है ड्यू टू इंटरफेरेंस रिलेटेड इश्यूज। तो हमने यहाँ वाईफाई और लाईफाई को समझा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड है,
दोस्तों रिसेंटली टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने एक कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को रिलीज किया। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। बहुत पहले यूपीएससी ने इसका एक क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये एक सीमलेस कनेक्टेड नेटवर्क है ऑफ एम्बेडेड ऑब्जेक्ट या डिवाइसेस विद आइडेंटिफायर्स, जिसमें मशीन्स टू मशीन कम्युनिकेशन होता है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ये पॉसिबल होता है यूज करके स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का। जनरल टर्म से बताऊं तो इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज आएगी जिसे आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट नेटवर्क से, फैक्ट्री इक्विपमेंट से, एयर कार से, टू मोबाइल डिवाइसेस एंड स्मार्ट वॉचेस, फोन, टैबलेट, पीसीज, इनको इंक्लूड नहीं करा जाता आईओटी के अंदर। याद रखिएगा, फोन, टैबलेट, पीसीज को नहीं करते हैं। ये स्पेसिफिकली निकल के आता है टू मीन कनेक्टेड थिंग्स जिनके अंदर सेंसर्स हो, सॉफ्टवेयर हो या दूसरी टेक्नोलॉजीज हो जो उन्हें अलाउ करे ट्रांसमिट और रिसीव करने में डेटा को। ट्रेडिशनली जो कनेक्टिविटी थी वो पाई गई मेनली वाईफाई के माध्यम से, वेरस आज के टाइम पे तो 5G या दूसरे तरीके के नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी बढ़ रहे हैं और हैंडल कर सकते हैं ऐसे डेटा सेट को स्पीड और रिलायबिलिटी के टर्म्स में। इसका ज्यादातर मात्रा में जो यूज है वो किया गया टू क्रिएट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग वर्टिकल्स में, जैसे कि पावर हो गया, ऑटोमोटिव सेफ्टी और सर्विलांस हो गया, रिमोट हेल्थ मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर हो गया, स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सिटीज वगैरह हो गए यूज करके कनेक्टेड डिवाइसेस का। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये काम कैसे करता है, बट उसके पहले एक यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, ये हम थोड़ा समझते हैं गाइडलाइंस क्या है सिक्योर करने की कंज्यूमर आईओटी को। देखिए सारे ही जो आईओटी डिवाइस हैं इनमें डिफॉल्ट पासवर्ड होता है और ये यूनिक होता है पर डिवाइस। डिस्क्लोज वल्नरेबिलिटीज शुड बी एक्टेड ऑन इन अ टाइमली मैनर, ठीक है, जो भी भाई डिस्क दिख गया उस पर तुरंत काम होना चाहिए। तीसरा, सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट जो है वो सिक्योरली अपडेट करे जाए, अनयूज्ड जो फंक्शनैलिटी है ये खत्म कर दी जाए, है ना, जो जो काम नहीं हो रहा उसको, जो अनयूज्ड चीज़ें उनको खत्म करो। हार्डवेयर जो है वो अननेसेसरी एक्सपोज ना हो किसी चीज़ का एक्सेस, जैसे अनरिक्वायर्ड पोर्ट ना हो बोथ नेटवर्क या लॉजिकल जो है ये प्रॉपर अनरिक्वायर्ड जो हो उन्हें बंद कर दिया जाए। सिक्योरिटी सेंसिटिव डेटा ये इनक्रिप्टेड हो जब इधर से उधर जा रहा हो, और इन केस ऑफ डिवाइस कलेक्ट या ट्रांसमिट कर रहा हो पर्सनल डेटा, तो ऐसा डेटा जो है वो प्रॉपर सिक्योरली जो है वो स्टोर होना चाहिए, सही से स्टोर करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कैसे काम करता है उसको पहले समझते हैं, तब इसका यूज़ जानेंगे। देखिए इस आईओटी का इकोसिस्टम के अंदर वेब इनेबल्ड स्मार्ट डिवाइस आते हैं जो यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स का, जैसे प्रोसेसर का, सेंसर का, कम्युनिकेशन हार्डवेयर का, कलेक्ट करने में और सेंड करने में और एक्ट करने में डेटा पे, जो भी इनकी मतलब डेटा दे अक्वायर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो भी डेटा एनवायरनमेंट से लेते हैं उन्हें प्रॉपर कलेक्ट करना, सेंड करना, एक्ट करना, ये सारा का सारा काम जो है वो ये सब करते हैं। अब ये जो दीज शेयर द सेंसर डेटा दे कलेक्ट बाय कनेक्टिंग टू एन आईओटी गेटवे या फिर दूसरे एज डिवाइस, जहां पर डेटा जो है वो भेजा जाता है टू द क्लाउड टू बी एनालाइज्ड लोकली, ठीक है, प्रॉपर एनालाइजेशन के लिए इसको भेजते हैं यहाँ पे। फिर समझिए, ये जो दीज शेयर द सेंसर डेटा दे कलेक्ट, जो भी ये डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये उस डेटा को शेयर करते हैं बाय कनेक्टिंग टू एन आईओटी गेटवे, आईओटी गेटवे के माध्यम से कनेक्ट करके या दूसरे किसी एज डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट करके, वेयर डेटा इज सेंड टू द क्लाउड, क्लाउड में डेटा भेजते हैं और प्रॉपर एनालाइज करते हैं लोकली। कभी कभी ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद अदर रिलेटेड डिवाइसेस एंड एक्ट करते हैं ऑन द इंफॉर्मेशन जो ये पाते हैं दूसरे डिवाइसेस से। डिवाइसेस ज़्यादातर जो काम है वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के कर लेते हैं, हालांकि लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं डिवाइस के साथ में, फॉर एग्जाम्पल उन्हें सेटअप करने में, उन्हें इंस्ट्रक्शन देने में या डेटा को एक्सेस करने में। तो ये हो गई बात। अच्छा, इसका अगर हम यूजर्स की बात करें, है ना, तो यूजर्स क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के? घर के अंदर स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल, ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज हो गया। दूसरे नंबर पे बात करें तो इंडस्ट्रियल अगर बात करें तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्वालिटी कंट्रोल हो गया। ऑटोमेटिव की बात करें तो भाई व्हीकल ऑटो डायग्नोस्टिक, ऑप्टिमाइज्ड ट्रैफिक फ्लो हो गया, स्मार्ट पार्किंग हो गई। एग्रीकल्चर में ऑफस्प्रिंग केयर, क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल एनालिसिस में मदद हो सकती है। मिलिट्री के अंदर सिचुएशन अवेयरनेस और थ्रेट एनालिसिस हो सकता है। मेडिकल के अंदर ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर,
वेरिएबल फिटनेस डिवाइसेस क्वालिटी डेटा रिपोर्टिंग हो सकती है। एनवायरनमेंट के अंदर फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, स्पीशीज ट्रैकिंग, वेदर प्रोटेक्शन हो सकता है, और रिटेल के अंदर थ्रेफ्ट प्रोटेक्शन हो सकता है, इन्वेंट्री कंट्रोल हो सकता है, समझ रहे हैं, फोकस्ड मार्केटिंग हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्या इंपॉर्टेंस है आईओटी की? देखिए, इससे बढ़ावा मिलता है कम्युनिकेशन को डिवाइसेस के बीच में, जिसे हम लोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, इससे मदद मिलती है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में पूरे प्रोसेस में, और इससे प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी रहती है कोई भी काम में, और क्वालिटी भी सर्विस की मेंटेन रहती है। इस मशीन टू मशीन इंटरेक्शन से एक अच्छी एफिशिएंसी होती है, और इससे रिजल्ट्स वगैरह एक्यूरेट आते हैं, और ये फटाफट से मिल सकते हैं। एप्लीकेशन आईओटी का इंक्रीज्ड मतलब कन्वीनियंस बढ़ाता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। क्या दिक्कतें हैं? देखिए, डेटा ब्रीच हो सकता है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बढ़ सकती है, ऑपरेशन जो है ये प्रॉपर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, इशू जो कंपैटिबिलिटी का है टैग करने में, मॉनिटर करने में, ये आ सकता है। जो मेनियल स्टाफ है इसका एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत हो सकती है, और वगैरह वगैरह। अब आईओटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? 2015 में ड्राफ्ट आईओटी पॉलिसी को बनाया गया। विजन ये था कि हम एक डेवलप करेंगे कनेक्टेड और स्मार्ट आईओटी बेस्ड सिस्टम को हमारे कंट्री की इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट और ग्लोबल नीड्स के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईओटी को भी सेटअप किया गया बैंगलोर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और नासकॉम के द्वारा। साथ में आंध्र प्रदेश ये एक पहला आईओटी हब बनेगा, जो पहला इस तरीके की पॉलिसी लेकर आएगा। सरकार लेकर आया यहाँ डिजिटल, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 को रिलीज करी गई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, ताकि जो आज की मॉडर्न जो रियलिटीज़ हैं टेलीकॉम में, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी, IoT, M2M कम्युनिकेशन वगैरह, इसे प्रॉपर सेटिस्फाई कर सकें। देखिए, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए 2022 तक, और अक्टूबर 2021 सरकार ने नोटिफाई करा 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, फ्रॉम प्रीवियस जो 49% था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो ये पूरी हमने यहाँ आईओटी की बात करी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेटावर्स का। बहुत सुना होगा, है ना, मार्क जकरबर्ग का, फेसबुक का, मेटावर्स बहुत सुना होगा। न्यूज़ क्या है समझते हैं। एक रीसेंट स्टडी में इंडिया जो है वो रैंक हुई अमंग टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इन द मेटावर्स प्रोजेक्ट्स। आइए और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जानते हैं। दोस्तों, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स रिफर करते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स को, एप्लीकेशंस को, दैट आर सेट इन द वर्चुअल वर्ल्ड, जो सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में होगा। ऐसे गेम्स जो होंगे ना, वो प्ले टू अर्न मॉडल को फॉलो करेंगे, जहां पे गेमर्स को रिवॉर्ड मिलेंगे अगर वो इन्वेस्ट करते हैं गेम्स के अंदर। तो सबसे पहले मेटावर्स क्या है उसको समझते हैं। देखिए, मेटावर्स को आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वीडियो वगैरह आती है, जहां यूजर रहता है एक डिजिटली इनहांस सराउंडिंग में, सब कुछ उसके आसपास डिजिटल है। ये सारी टेक्नोलॉजी का अभी यूज करा जा रहा है एप्पल, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इन एडिशन टू फेसबुक। तो समझने के लिए किस तरह से काम करता है और इसका इम्पैक्ट क्या ये डालेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पहले ये समझना कुछ आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी के बारे में जो इस पर काम करेगा। जैसे कि अगर हम सबसे पहले जानते हैं कि VR टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी, या आप ऐसे समझ लो इसमें कंप्यूटर मॉडलिंग का यूज़ करते हैं और सिमुलेशन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो इंटरेक्ट कर पाता है आर्टिफिशियल 3D, 3D वर्चुअल या दूसरे सेंसरी इन्वायरमेंट से। जैसे कि गेम्स खेला जाता है ना, वारक्राफ्ट या वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट जैसे गेम्स खेलते ना, तो वीआर वर्ल्ड। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या वीआर जो है वो क्लोज करता है वर्ल्ड को। हाँ, वीआर क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेस एंड इंडिविजुअल, तो इससे क्या करता है, ये कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वीआर ग्लासेस देखे ना। उसके बाद दूसरा आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये एक इन्हांस्ड वर्जन है रियल फिजिकल वर्ल्ड का, जिसे आप पा सकते हो डिजिटल विजुअल एलिमेंट्स का यूज करके, साउंड का यूज करके, या दूसरे सेंसरी स्टिमुलाई का यूज करके, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिलीवर होते हैं, जैसे गेम्स लाइक पोकेमॉन गो वगैरह।
तीसरी जो है वो होलोग्राम है। होलोग्राम क्या है? होलोग्राम एक वर्चुअल 3D इमेजेस हैं जिन्हें बनाया जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बीम्स के माध्यम से, जो एक रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद अवतार। अवतार मेटावर्स के अंदर, जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा अपना अवतार बनाया था कि नहीं बनाया था, उसी तरीके से अवतार जो है वो मेटावर्स के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन है किसी इंडिविजुअल का वर्चुअल वर्ल्ड में। आप कैसे लगेंगे वर्चुअल वर्ल्ड में देखने में? तो डिजिटल अवतार जो है वो इनेबल करेगा इंसान को कि वो एक एक्चुअल ह्यूमन की तरीके काम फंक्शन करेगा एक डिजिटली क्रिएटेड वर्ल्ड में। उसके साथ प्लेटफॉर्म, डेवलपर और यूजर डिस्टिंक्शन की बात करें तो मेटावर्स के अंदर डिजिटल इंगेजमेंट वो यहाँ पे बहुत ही पर्सनल और टेलर मेड होगी यूजर के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम रोल जो प्लेटफॉर्म का है, जो प्लेटफॉर्म जो रोल प्ले कर रहा है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। डेवलपर्स और यूजर्स क्लियरली इस चीज़ को समझें। अब बात आती है कि किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है? तो यूज़ करके, बाकी सारे जो इतने सारे डिजिटल टूल्स हैं इन सब का यूज़ करके आइडिया जो मेटावर्स का, उसका एम ये है कनेक्ट करना लोगों को, जगहों को और चीज़ों को अलग अलग इन्वायरमेंट में। मेटावर्स इनेबल करता है इसे बाय मर्जिंग वर्चुअल ऑगमेंटेड और फिजिकल रियलिटी को, और एंड ब्लर्स द लाइन बिटवीन योर इंटरेक्शन ऑनलाइन एंड इन रियल लाइफ, ठीक है? अब ये इन्हांस करेगा हमारी एबिलिटीज एक्सप्रेस करने की पीसेस को ऑफ आवरसेल्व्स थ्रू अवतार्स इन वेज ऑफ दैट वी मे नॉट हैव एबल टू टेस्ट आर बिफोर। ना मतलब समझ लीजिए ऐसा कि आप अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पे जा सकते, गेम खेल सकते, सब कुछ आप एक तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, एक अवतार आपका होगा और इस अवतार से आप क्या कर सकते हो, सब कुछ आप एक तरीके से, आप और आपका फ्रेंड कहीं भी मिल रहे हैं, एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ऐसा सब मोटा मोटा समझ लीजिए कि पूरा एक्सपीरियंस आपने पहले कभी नहीं करा होगा। अब दोस्तों 7 लेयर्स क्या है इस मेटावर्स की पहले समझते हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, गेम्स, सोशल, स्पोर्ट्स, थिएटर, शॉपिंग, डिस्कवरी की बात करते हैं, एड नेटवर्क, सोशल क्यूरेशन, रेटिंग्स, स्टोर्स, एजेंट्स, क्रिएटर इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजाइन टूल, असेट मार्केट्स, वर्क फ्लो, कॉमर्स, इस स्पेशियल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, 3D इंजन्स, VR, AR, XR, मल्टीटास्किंग, UI, जियो स्पेशल मैपिंग, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो एज कंप्यूटिंग, AI एजेंट्स, माइक्रो सर्विसेज, ब्लॉकचेन, ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करें तो मोबाइल, स्मार्ट ग्लासेस, वेरेबल्स, हैप्टिक, जेस्चर, वॉइस, न्यूरल, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 5G, वाईफाई 6G, क्लाउड, 7nm टू 1.4nm, MEMS, GPUs, मटेरियल्स। तो ये हमने पूरा मेटावर्स के बारे में भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट जो ड्रोन रेगुलेशंस इंडिया के अंदर है, ये हम नेक्स्ट वाले जो है अपनी क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता अगर हम चाहें भी टॉपिक कदम करना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।